चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। नबील। हाँ जानू। तुम्हारा तो आज पापा की दोस्त की कंपनी में इंटरव्यू नहीं था। हाँ जानू। तो फिर तुम गए क्यों नहीं? हाँ जानू, एक्चुअली हुआ ये कि जब मैं जाने लगा, मैंने कदम आगे बढ़ाया, मेरी बच्ची ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोला पापा मेरे साथ खेलें। तो मैंने ये सोचा कि मुझे अपनी बच्ची के साथ खेलना चाहिए, तो मैं बैठ गया। क्या? तुम नौकरी छोड़कर अपनी बच्ची के साथ खेल रहे हो? हाँ जानू, जो खुशी मुझे मेरी बच्ची के साथ खेलने में मिलेगी, वो नौकरी में कहाँ मिलेगी जानू। नबील, खुदा के लिए यार नौकरी कर लो, पैसे कमाना शुरू कर दो, कब तक इस तरह घर में बैठे रहोगे तुम? खबरदार जानू, अगर तुमने मेरे और मेरी बच्ची के बीच में पैसा लाने की कोशिश की तो मैं पैसे कमाने के लिए अपनी बेटी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। क्यों चांदी बेटा? यस बाबा, आई लव यू। नबील, चांदी भी यही चाहती है कि उसके पापा कोई जॉब करें। अरे ये तो बच्ची है, मासूम है, इसे अपने अच्छे बुरे का क्या पता। नबील, मेरे बाप ने मुझे बचपन में कभी टाइम नहीं दिया, इसलिए मैं अपनी औलाद को भरपूर टाइम देना चाहता हूँ। जानू, मेरे और मेरी बच्ची की खुशियों के बीच में मत आओ, चली जाओ प्लीज, चली जाओ जानू, चली जाओ। हाँ जानू, तुम बेटा दो फोन मुझे, यार बहुत खेल लिया तुमने। माँ जी, देखिए आपका बेटा क्या कर रहा है। हाँ मुझे पता है, वो ट्यूशन गया है। माँ जी, मैं सोना की नहीं नबील की बात कर रही हूँ। तो वो क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। हा? पापा ने इतनी मुश्किलों से नबील की नौकरी की अपने दोस्त से बात की थी और आज वो इंटरव्यू पे नहीं गया। हाँ, अंदर कमरे में चांदी के साथ खेल रहा है। तेरा मियाँ ना घर में पड़े पड़े हड आराम हो गया। एक मेरा मियाँ कितने का काम करता है वो। महमूद साहब क्या काम करते हैं? माँ जी, घर के सारे काम करता है और अभी भी बाजार गया सौदा लेने के लिए है। क्या? हाँ, और आज ना वो अपने हाथों से मेरे लिए ना गाय के गोश वाली बिरयानी बनाएगा बच्चू। ओ गॉड, माँ जी, ये हमारे घर के मर्दों को क्या हो गया? क्या हो गया उन्हें? अरे जो उनके करने वाले काम है वो तो वो कर नहीं रहे, औरतों के काम कर रहे हैं। चल पुत्र, कुछ तो कर रहे हैं ना। माँ जी, ये खाने बनाना महमूद साहब का काम नहीं है। हाँ तो फिर किसका काम है? ये आपका काम है यार। चुप है, थोड़ी देर भी मुझे आराम करता हुआ नहीं देख सकती है? जल्दी आ तू मुझसे, चल दफा हो जा। माँ जी, चुप है, दौड़ जा। अब पागला, इतना मजा आता है बाग में सोने का। बाबुल की दुआएं लेती जा, तुझको सुखी संसार मिले। जा मेरी गुड़िया, ससुराल जाके अपने गुड्डे का बहुत ख्याल रखना, जा मेरी गुड़िया। नबील, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? जानू, मैं और चांदी गुड्डे गुड़िया की शादी कर रहे हैं। क्या? हाँ मामा, गुड्डा मेरा, गुड़िया पापा की। अब यही कमी रह गई थी नबील कि तुम घर पे बैठ के गुड़िया और गुड्डे की शादी करवाओगे। जानू और क्या करता, ये गुड्डा भी मेरी तरह घर पे बैठा बैठा बोर हो रहा था, मैंने सोचा चलो गुड्डे की शादी करा देता हूँ। चलो अभी चांदी, बारात आने वाली है। बिला, तू क्यों रो रही है बैठी इधर? रो नहीं तो और क्या करूं माँ जी, नबील गुड़िया की शादी करवा रहा है। कोई नहीं पुत्र, एक ना एक दिन तो उसे अपने घर जाना था ना। माँ जी, मेरी बेटी की शादी नहीं करवा रहा वो। तो फिर? वो गुड़िया और गुड्डे की शादी करवा रहा है। आए तो इसमें तो बड़ा स्वाब का काम है ना, तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरा मियाँ किसी गरीब की शादी करवा रहा है। अरे माँ जी, वो चांदी के साथ मिलकर चांदी की गुड़िया और गुड्डे की शादी करवा रहा है। वशे वशे। माँ जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं हमारे शौहर घर में रह रहे के औरतों के काम कर करके औरतों जैसे ना बन जाए। माँ जी, शायद आपने नोट नहीं किया, महमूद साहब और नबील की आदतें बिल्कुल घरेलू औरतें जैसी हो गई हैं। अब तो मोहल्ले वाले भी मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ सोचे यार। मोमो, मैं सब्जी ले आया। अरे वो सब्जी वाला मेरे से बहस कर रहा था, मुझे सौदे को हाथ ही लगाने दे रहा था। मैंने भी उसके सर पे खड़े होकर अपने हाथ से चुन चुन कर प्याज निकलवा के डाले। अच्छा। अरे एक औरत तो मुझसे बदतमीजी कर रही थी। हैं? फिर क्या,
मैंने भी आस्तीने चढ़ा कर उसके साथ ऐसे लड़ाई की है, ऐसे लड़ाई की है कि वो याद करेगी। अरे सब्जी वाला तो मुझे कहने लगा, वाह महमूद साहब वाह, आपने तो बिल्कुल औरतों की तरह लड़ाई की है। चलो मोमो आप तुम ना आराम करो, मैं तुम्हारे लिए बिरयानी पका के लाता हूँ। है नबील आ जाओ भी, मेरी हेल्प करो जरा। माँ जी आपने देखा महमूद साहब तो औरतों की तरह औरतों से लड़ने भी लग गए यार। हाँ पुत्र हमें कुछ करना पड़ेगा माँ जी। हाँ तो मेरा मुंह क्या देख रही है, कर सोचने तो दे। अच्छा ठीक है फिर मैं भी सोचती हूँ लॉन में बैठ के। है माँ जी, माँ जी। हाँ जी क्या हुआ, ये देखिए अखबार, इसमें मेरी तस्वीर छपी है क्या? अरे नहीं माँ जी, अखबार में इश्तहार आया है। किस चीज का इश्तहार? बाबा का। ना तो तेरे बाबा ने तेरी शादी का इश्तहार दे दिया, और अपनी तस्वीर तो नहीं दे दी उसने। अरे माँ जी मेरे पापा का नहीं, किसी तावीज वाले बाबा का इश्तहार आया है। ना मैंने किसी तावीज वाले बाबा से शादी नहीं करनी। अरे आपको शादी करने के लिए कौन बोल रहा है? तो फिर ये मुझे दिखा क्यों नहीं अखबार है? माँ जी इस बाबा के पास हर चीज के लिए तावीज होता है, बेरोजगारी से लेकर बीमारी तक। हम इनसे अपने शौहरों के लिए ऐसे तावीज लाएंगे कि हमारे शौहर मर्द बन जाए। हाँ तो क्या अभी वो मर्द नहीं है? मेरा मतलब है माँ जी कि ऐसे मर्द बने जो मर्दों वाले काम करें और औरतों के काम औरतों से करवाएं। तो मैंने बड़ी मुश्किल से तवीजें करा करा के तो अपने मियाँ को ना इस काम पे लगाया, तू मुझे फिर कह रही है कि मैं लग जाऊँ उस काम पे। माँ जी घर के सारे काम मैं कर लूंगी यार, आप बस मेरे साथ बाबा के पास चले तावीज लेने। हाँ तो पहले बोलना था ना, चल जल्दी से फरस लेके ना हम लोग तवीज लेकर आते हैं। आ जा चल। मोमो, मोमो, क्या हो गया महमूद साहब? यार ये तुम्हारी माँ पता नहीं कहाँ चली गई है, काफी देर हो गई है। हाँ महमूद साहब खूबसूरत भी घर पे नहीं है, मुझे लगता है बाहर गई है दोनों। यार हमें बताए बगैर चली गई है। पता नहीं हमारी बीवियों को घर पे चैन क्यों नहीं आता। अरे अब हर कोई हमारी तरह का घरेलू इंसान थोड़ा ही होता है नबील, जिसे घर में आराम मिले। हम जरा डिफरेंट टाइप के लोग हैं। महमूद साहब मुझे तो नफरत है उन लोगों से जो अपना घर होते हुए घर से बाहर निकलते। हाँ यार आजकल हालात है घर से बाहर निकलने के। और नहीं तो क्या महमूद साहब। हाँ अरे मोमो तुम कहाँ चली गई थी? माँ जी जल्दी से छुपाएं। ओहो माँ जी मुझे नहीं अपने हाथों को छुपाएं। छुपाए। अरे ये आप दोनों क्या छुपा रही हैं? कुछ नहीं नबील, हम क्या छुपाएंगे तुमसे? भाई कुछ तो है। नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, आपको रहम हो रहा है। माँ जी वहम? हाँ हाँ हमारे हाथ में वहम है। दिखाओ ना मोमो क्या है तुम्हारे हाथ में। हाँ जानू बताओ ना क्या छुपा रही हो, बताओ ना जानू। माँ जी यार महमूद साहब ये हम लोग से क्या छुपा रही हैं यार? पता नहीं यार, और बाहर भी हमें बगैर बताए चली गई थी। यार महमूद साहब आज हम दोनों में से किसी एक का बर्थडे तो नहीं है? यार मुझे तो अपना बर्थडे याद ही नहीं है। और यार आपका तो बनता भी नहीं है, आपको बर्थडे नहीं आपको डेथ डे याद होना चाहिए। अरे चुप करो भाई। और वैसे भी मुझे आपकी सालगिरह दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, अगर मैं आपसे पूछूं भी सालगिरह आपकी तो आप क्या बताएंगे कि खरबूजे पक गए थे, आम भी कच्चे थे, बारिशें हो रही थी, फलाने की भैंस ने बचा दिया था, इस तरह की बातें बताएंगे आप? आपका सिर्फ डेथ डे याद रखें। नबील मैं समझ गया। क्या महमूद साहब? नबील हम जो अपनी बीवियों के लिए खाना बना रहे हैं ना, हमारी बीवियां छुपकर हमारे लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर आई है। अरे वाह महमूद साहब, इसका मतलब है खाने के बाद हमें सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है। हाँ जी। अच्छा जी। माँ जी अब हम ये तावीज लेकर तो आ गए, लेकिन नबील और महमूद साहब को खिलाएंगे कैसे? तो तूने बाबा जी से पूछा नहीं था कि इसको चबा के खिलवाना है या निगलवाना है? बाबा जी ने तो कहा था किसी भी खाने या पीने की चीज में डालकर दे दो। तो फिर एक काम करते हैं, इसे पानी की टैंकी में डाल देते हैं। माँ जी हम इसे बिरयानी में डाल के दे देते हैं। हो अपनी अपनी प्लेटों में डाल देंगे ताकि हमारे मियाओं को शक भी ना हो। माँ जी ये तावीज हमने नहीं खाने, महमूद साहब और नबील को खिलाने। आइडिया। क्या? खाने के बाद हम ये तावीज दोनों की चाय में डाल देंगे। खाने के बाद कैसे डालेंगे हैं? माँ जी तावीज खाने के बाद नहीं, खाना खाने के बाद चाय में डालेंगे। हाँ ये ठीक है। क्या हुआ? माँ जी ताली मारे यार। अच्छा यार महमूद साहब खाना तो बड़ा मजेदार था। अरे नबील इतने प्यार से इतने मजे से पकाया था। यार महमूद साहब अब मैं ये सोच रहा हूँ कि सरप्राइज क्या होगा यार। नबील मुझे तो लगता है मोमो मेरे लिए ना
परफ्यूम लेकर आएगी। यार महमूद साहब आपने तो मेरी आंखों में डाल दिया यार, और मुझे लगता है मेरे लिए खूबसूरत महंगी सी घड़ी लेकर आएगी यार। बुरा वक्त देखने के लिए महमूद साहब। जानू आ जाओ, अब और इंतजार नहीं होता। मोमो सबर नहीं हो रहा, आ जाओ ना। हाँ जी हाँ जी, ये लीजिए गर्मा गर्म मजेदार चाय, पिए आप लोग और मौज करें फिर। हाँ चाय। अरे वो कहाँ है? वो क्या भाई? वही जो तुम अपने हाथों में छुपा कर लाई थी मेरे लिए। वो तो हाँ, चाय में डाल दिया है मैंने। चाय में डाल दिया? क्या डाला है चाय में? वो अब टी बैग्स, टी बैग डाला है ना चाय में। टी बैग खत्म हो गए थे, वही तो लेने गए थे दुकान से। हाँ हाँ बाबा जी के पास, दुकान वाले बाबा जी के पास। यार महमूद साहब हम लोग ऐसे खुश हो रहे थे यार। यार ओहो नबील तुम छोड़ो इन बातों को, तुम चाय पियो ना। ओ यार अभी तो खाना हजम नहीं हुआ, मैं नहीं चाय पी रहा। मेरा भी मूड नहीं कर रहा। नहीं अब फाइन नहीं अब इस चाय का क्या करें? कोई नहीं पुत्र, हम खुद ही पी लेते हैं। क्या करनी है माँ जी, चाय में तावीज मिला हुआ है। एक तावीज तो जाया ही हो गया। हाँ तो अब क्या करें रुकैया? माँ जी रात को महमूद साहब और नबील को दूध के ग्लास में डाल देते हैं। वो दोनों दूध के ग्लास में कैसे आएंगे हैं? माँ जी तावीज दूध के ग्लास में डालकर उन दोनों को पिला देते हैं। अब किया ना तूने औरतों वाली बात, ले फिर मार ताली। नबील क्या हुआ जानू? ये दूध क्यों? मैंने सोचा कि चांदी के साथ पूरा दिन तुम खेल खेल के थक जाते होगे ना, तो तुम्हें दूध दे दूं ना। ये थैंक यू जानू। इसमें थैंक यू की क्या बात है? मोमो तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। हाँ जी मुझे आपका बड़ा ख्याल है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मर्द बने मर्द। चलें दूध पिए शाबाश, वरना असर खत्म हो जाएगा। किस चीज का असर? वो जो मैंने इसमें मिलाया हुआ है ना उसका असर। तुमने इसमें क्या मिलाया है मोमो? वो प्यार, प्यार मैंने इसमें ढेर सारा प्यार मिलाया हुआ है परवेज। फिर तो मैं ये दूध जरूर पीऊंगा मोमो। मर्द का बच्चा बन, मर्द का बच्चा बन, शाबाश शाबाश, पीले पीले पीले। हाँ जी हाँ जी सारा पी लिया। मोमो क्या क्या हो गया जी? और 10 बज गए, तुम बिस्तर पे मरी पड़ी हो। मैं मरी पड़ी हूँ यानी मैं मर गई हूँ, मेरा क्या होगा अब? ये ड्रामे बंद कर, जा जा उठ के मेरे लिए नाश्ता बना। लेकिन आज तो नाश्ता आपने बनाना था मंसूर। ओए मैं नाश्ता बनाऊंगा? ओए जाहिल औरत अपने मिये को नाश्ता बनाने के लिए बोल रही है। ओए मैं मर्द हूँ मर्द, ये मर्दों के काम नहीं है औरतों के काम है। ओए आप मर्द बन गए। मैं क्या बकवास कर रही है तू, मैं मर्द ही हूँ, चलो उठ मेरे लिए नाश्ता बना, मुझे और भी बहुत से काम है। हाय मैं सदके मैं वारी, मैं अभी आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ, बस इतनी मोहलत दे दे, कपड़े बदल लूं मैं। हाय हटे हटे हाय बिस्मिल्लाह। जल्दी हो भूख लग रही है। क्या हुआ नबील, सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों हो? अरे गुस्से में ना हो तो और क्या करूं, मियां कब से जागा हुआ है और बीवी अभी तक सो रही है। तो क्या हो गया, तुम भी सो जाओ। तभी से बात करो मुझसे, मैं तुम्हारी तरह बेकार नहीं हूँ कि पड़ा सोता रहूं। 10 काम है मुझे 10। क्या हद होती है भोड़ बन की, घर में नहुसत मिलाई हुई है, मैं कब से उठा हुआ हूं? नाश्ता कौन बना के देगा, तुम्हारे पापा? नहीं नहीं नाश्ता मैं बनाऊंगी। 10 मिनट के अंदर मुझे नाश्ता बना के दो, मुझे आज बहुत काम है। काम? तुम काम करोगे? तो आप नहीं तो क्या, घर में फारिग औरतों की तरह बैठूंगा, दिमाग खराब है मेरा। हाय मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ नबील, बस कपड़े चेंज कर लूँ। हाँ ठीक है। मुबारक हो माँ जी, क्या आंटी में से चूजा निकला है? नहीं माँ जी। तो फिर माँ जी तावीज का असर हो गया? हाँ पत्थर। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा माँ जी, नबील आज सुबह सुबह उठ गया और फरूक भी तो सवेरे सवेरे उठ गए थे। महमूद माँ जी, महमूद भी जल्दी उठ गया था। माँ जी हमारे शौहर सही वाले मर्द बन गए। हाँ पुत्र एकदम कड़क मर्दों की तरह बात कर रहे थे वो। और नबील भी मुझ पर चिल्ला रहा था कि जल्दी से नाश्ता बनाओ, काम करना है। हमने बड़ा लेट कर दिया समीना, अगर 100 एपिसोड पहले हम बाबा से तवीज ले आते ना तो हमारा तो काम बन जाना था। चले माँ जी देर आए दुरुस्त आए। विश्वाशे मामा मामा खूबसूरत नाश्ता ले आओ। हाँ जी आ रहे आ रहे। सॉरी नबील थोड़ी देर हो गई। आइंदा ख्याल रखना। ओके। तुम कहाँ बैठ रही हो? अब कुर्सी पर।
बीवी हो बीवी बन के रहो, तुम क्या मर्दों के साथ बैठ के नाश्ता करोगी? तुझसे बड़ा है ना पुत्र, नबील भाई बोल, नबील भाई। तुम चुप करो मोमो और जाओ जाकर मेरे कपड़े इस्त्री करो। क्यों मैं नाश्ता ना करूं? औरत होकर मर्दों से जुबान चलाती हो? जो कहा है वो करो जाके। तुम भी मेरे कपड़े इस्त्री करो और जूते पॉलिश करो। क्या? फौरन। अरे क्या क्या शॉट लगाई है! अरे वाह वाह क्या अच्छा कवर ड्राइव है महमूद साहब। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड राणा रिजवान, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। अस्सलाम वालेकुम, मैंने जी आपके जूते इस्त्री कर दिए हैं और आपके कपड़े भी पॉलिश कर दिए। क्या नबील, मैंने तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर दिए, जूते भी पॉलिश कर दिए। क्या करूँ मैं, क्या करूं मैं? कुछ नहीं, अब तैयार हो जाओ। तैयार होके मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा मैं? क्यों, काम पर नहीं जाना? कौन से काम पर है? तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा कि हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं? ना तो आपने अगर घर पर ही रहना था तो कपड़े पॉलिश क्यों कराए आपने? हैं क्योंकि तुम्हारा काम है शौहर के काम करना और घर के काम करना, जाओ पूरे घर की सफाई करो। चलो नबील जाओ। अरे वाह वाह, चले माँ जी, चलो चलो जल्दी करो। वैसे माँ जी तो मेरी है, बहुत ही ओवर है। माँ जी, हाँ जी, ये तावीज हमारे शौहरों को काम करवाने के लिए था या हमें? भाई पुत्र लगता है तावीज का असर उल्टा हो गया। तावीज ने असर ही नहीं किया, ये मर्द तो बन गए पर बड़े हड़राम मर्द बने। खूबसूरत तुम क्या बहरी हो गई हो? क्यों, अब क्या हुआ है? चांदी कब से रो रही है, तुम्हें आवाज नहीं आ रही? हाँ हाँ, उसे भूख लग रही होगी, तुम उसे जाके खाना खिला दो ना। क्या कहा तुमने? आए पुत्र, अब तू बहरा हो गया। तुम अपने शौहर से कह रही हो कि वो बच्ची को खाना खिलाए? बेशर्म औरत, मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो घर में बैठकर बच्चों को खाना खिलाते हैं। ये औरतों के काम होते हैं, मर्दों के नहीं होते। तो तुम मर्दों के ही काम कर लो। मर्दों का काम है औरतों पर हुक्म चलाना, वो मैं चला रहा हूँ। क्या? मोमो, हाँ जी, ये सफाई के बाद मेरे लिए दोपहर के खाने में ना निहारी तैयार कर लो। हाय माँ जी, ये क्या हो गया, तावीज पीकर तो ये लोग और ठीक हो गए, नौकरी का नाम ही नहीं ले रहे। तू फिक्र ना कर सुलेखा, मैंने सारे तावीज ना जूस में मला दिए। वो क्यों? इसलिए कि हमारा ना काम जो है औरतों वाला, इससे हमारी जान छूट जाए और हम भी मर्दों जैसे काम करने शुरू कर दें। क्या? हाँ जी, अब तू ऐसा कर, जल्दी से कट कट करके जूस पी जा, ठाले ठाले, शाबाश। माँ जी, माँ जी। हाँ जी पुत्र। जी देखिए, अखबार में इश्तेहार आया है, एक ही ऑफिस में दो नौकरियां। शाबाश, अब मेरी शक्ल क्या देख रही है? चल के तैयार होते हैं इंटरव्यू के लिए। आजा, जाते। आजा, जल्दी से आजा। आपकी गोट पिट गई, पिट गई, पिट गई। ये जो पिटी है ये मेरी गोट है। हाँ जी, अच्छा है जी। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा।